तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सन 2004 में आने वाली और बड़ी फिल्मों के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि सन 2004 में कौन सी मूवी ने मारी थी बाजी, ये साल किसके नाम। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। और दोस्तों फिल्में नई हों या पुरानी, सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की आन मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि ये आन मूवी 4 जून 2004 में आई थी। इसमें हमें नजर आए थे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा इसमें अहम किरदार नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 15 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 9 करोड़ 57 लाख रुपये कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 13 करोड़ 80 लाख की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम बॉलीवुड के सुपरस्टार फरदीन खान और शाहिद कपूर साहब की फिदा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि ये फिदा मूवी 20 अगस्त 2004 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहिद कपूर, फरदीन खान, करीना कपूर इसमें अहम किरदार नजर आई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 10 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 9 करोड़ 71 लाख रुपये कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 16 करोड़ 21 लाख की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम बॉलीवुड के सुपरस्टार अनीता बच्चन की अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों ये मूवी 24 दिसंबर 2004 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे बॉलीवुड के सुपरस्टार अनीता बच्चन, अक्षय कुमार, बॉबी देओल इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 20 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 11 करोड़ 56 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 18 करोड़ 55 लाख की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें जो अनीता बच्चन साहब का किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर और सनी दत्त की मुसाफिर मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि ये मुसाफिर मूवी 10 दिसंबर 2004 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनिल कपूर, सनी दत्त, आदित्य पंचोली इसमें अहम किरदार नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 13 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 11 करोड़ 82 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 18 करोड़ 5 लाख की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय खन्ना और अमिताभ बच्चन मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि ये दीवार मूवी
25 जून सन 2004 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अक्षय खन्ना, अनिता वचन, संजय दत्त इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि इस मूवी का बजट तकरीबन 21 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 13 करोड़ 24 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने तकरीबन 20 करोड़ 57 लाख की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपर स्टार अभिषेक बच्चन और अजय देवगन की युवा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि ये मूवी युवा 21 मई सन 2004 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अजय देवगन इसमें अहम किरदार नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 12 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम तकरीबन 14 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 23 करोड़ 38 लाख की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें जो अजय देवगन का जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही शानदार था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपर स्टार सैफ अली खान साहब की हम तुम मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि ये हम तुम मूवी 28 मई सन 2004 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे सैफ अली खान, रानी मुखर्जी इसमें अहम किरदार नजर आई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि इस मूवी का बजट तकरीबन 8 करोड़ 5 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 21 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 41 करोड़ 7 लाख की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें जो सैफ अली खान का किरदार था काबिले तारीफ था और बहुत ही लाजवाब था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की एतराज मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि ये एतराज मूवी 12 नवंबर सन 2004 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, अंग्रेश पुरी इसमें अहम किरदार नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 11 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 15 करोड़ 58 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 24 करोड़ 99 लाख की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। और दोस्तों इसमें एतराज में जो अक्षय कुमार साहब का किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही शानदार था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। तो दोस्तों सन 2004 में आने वाली इन सभी स्टार की मूवियों में से कौन सी मूवी आपके ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहां से देखते हैं। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। और दोस्तों हमारे चैनल पर फिल्में नई हों या पुरानी, सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट
अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल